वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनलैंड फिशरीज के अंदर लेक फिशरीज या फिर लेक स्ट्रीम फिशरीज के बारे में। इन लेक्स के अंदर कौन कौन सी फिश स्पीसीज पाई जाती हैं एंड कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लेक्स होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फिश प्रोडक्शन की हमने बात की थी, इसके अंदर इनलैंड फिशरीज होती है, फ्रेश वाटर फिशरीज एंड मरीन फिशरीज होती है। इनलैंड फिशरीज के अंदर रिवराइन फिशरीज होती है, जिसके अंदर हमने रिवर सिस्टम्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद आज की वीडियो में हम लेक फिशरीज के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अपकमिंग वीडियोज में रिजर्वोर फिशरीज, पॉन्ड्स एंड कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इनलैंड फिशरीज यानी फ्रेश वाटर फिशरीज के अंदर हम लेक फिशरीज के बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हैं। तो लेक फिशरीज या फिर लेक स्ट्राइन फिशरीज जो होती हैं, इसके अंदर फिशेज आती हैं जो कि लेक्स के अंदर रहती हैं। लेक्स क्या होते हैं? नेचुरली फॉर्म डिप्रेशन होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ विच गेट फिल्ड विद द वाटर। अब लेक्स नेचुरली फॉर्म्ड डिप्रेशन होते हैं सरफेस, अर्थ के सरफेस के ऊपर, जो कि पानी से भर जाते हैं। तो ये लेक्स होती है। वैसे लेक्स की अलग अलग बहुत सारी डेफिनेशन आती है, लेकिन एग्जाम के लिए इतनी काफी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिफरेंट टाइप के लेक्स के टाइप। तो लेक्स के टाइप के अंदर लेक्स जो है पोलर हो सकती है, टेम्परेट, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड सब पोलर। तो पोलर लेक्स क्या होती है? लेक इन विच टेम्परेचर एट द बॉटम इज नेवर अबाउ 4 डिग्री सेल्सियस। जहां पे टेम्परेचर क्या है, कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता है। द टेम्परेचर एट द सर्फेस इज ऑल्सो सेम। बॉटम एंड जो सर्फेस का टेम्परेचर है, दोनों कैसे होंगे? सेम टेम्परेचर होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि हाई एल्टीट्यूड्स की जो लेक होती है, वो होती है पोलर लेक्स, जहाँ पे टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा, चाहे बॉटम हो चाहे सरफेस की बात हो। इसके बाद सेकेंड आती है टेम्परेट लेक्स। लेक्स जिनके अंदर सरफेस टेम्परेचर इज अबाउ 4 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है, 4 डिग्री से ऊपर होता है समर्स के अंदर एंड बिलो 4 डिग्री इन विंटर। ठीक है, टेम्परेट के अंदर क्या होगा, यहाँ पे टेम्परेचर जो है अलग अलग टाइप से होगा। कि अगर हम बात करें सरफेस टेम्परेचर की, ठीक है, सरफेस टेम्परेचर की हम बात करें, सरफेस टेम्परेचर समर्स के अंदर जो है अबाउ 4 डिग्री सेल्सियस होगा, अबाउ 4 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे विंटर्स की, विंटर के अंदर क्या होगा, ये बिलो 4 डिग्री होगा, बिलो 4 डिग्री सेल्सियस होगा। एंड बॉटम के ऊपर कैसा होगा, 4 डिग्री सेल्सियस थ्रू द ईयर, चाहे विंटर्स हो चाहे समर्स हो, बॉटम का टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो सिर्फ सरफेस टेम्परेचर के अंदर क्या आता है, यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से हम बोल सकते हैं वेरिएशन आता है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की लेक होती है ट्रॉपिकल लेक। ट्रॉपिकल लेक जो है, जिसके अंदर सरफेस टेम्परेचर इज अराउंड 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का सरफेस टेम्परेचर जो है वो 20 to 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहता है एंड बॉटम टेम्परेचर इज अराउंड 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऊपर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन बॉटम का टेम्परेचर क्या होता है, बिल्कुल 4 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर अकर्स थ्रूआउट द ईयर एंड यहाँ पे वाटर की जो सर्कुलेशन है वो पूरे साल चलती रहती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है सब ट्रॉपिकल लेक। सब ट्रॉपिकल लेक जो होती है, जिसके अंदर सरफेस टेम्परेचर इज नेवर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। जैसे यहाँ पे हमने बात की थी पोलर लेक्स के अंदर, नेवर अबाउ 4 डिग्री सेल्सियस, कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होगा। सब ट्रॉपिकल के अंदर क्या होगा, कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस के बिलो नहीं होगा, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होगा। एंड सर्कुलेशन जो है विंटर मंथ्स के अंदर, सर्दियों में क्या हो जाता है, सर्कुलेशन इरेगुलर हो जाता है वाटर का। नेक्स्ट आता है सब पोलर लेक्स। सब पोलर लेक के अंदर लेक्स इन विच सरफेस टेम्परेचर इज अबाउ 4 डिग्री सेल्सियस फॉर शॉर्ट टाइम इन समर मंथ्स। पोलर के अंदर हमने देखा था, पोलर लेक्स के अंदर ये कभी भी 4 डिग्री से ऊपर नहीं होगा। सब पोलर के अंदर क्या होगा, सिर्फ गर्मियों के टाइम के मंथ्स जो होंगे कुछ, उनके अंदर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये कैसी होती है, ये होती है सब पोलर लेक्स। तो ये अलग अलग टाइप की लेक्स होती है। इसके बाद लेक्स के कुछ और डिफरेंट टाइप भी आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर, कि वाटर का सर्कुलेशन ऊपर से लेके नीचे तक कैसा होता है, यानी सरफेस से लेके बॉटम तक कैसा होता है, कब होता है, इसके बेसिस पे मोनोमिक्टिक होती है। मोनो मीन्स यहाँ पे क्या होगा,
इनके अंदर या तो ये ठंडी होंगी या तो ये गर्म होंगी, या तो कोल्ड टाइप की होगी या तो ये वार्म टाइप की होंगी। डायमिक्टिक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे टू सर्कुलेशन साइकिल चलेगी। पॉलीमिक्टिक के अंदर यहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर सर्कुलेशन चलती रहती है। ओलिगोमिक्टिक एंड मीरोमिक्टिक के अंदर या तो बिल्कुल यहाँ पे स्लो सर्कुलेशन होता है या फिर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे फर्स्ट मोनोमिक्टिक लेक्स की, द लेक हैविंग वन ओवर टन ऑफ वाटर, इसके अंदर एक ओवर टन ऑफ वाटर होता है। सच लेक्स में भी कोल्ड टाइप, यानी कि टेम्परेचर नेवर अबाउट 4 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होगा, या तो ये वार्म टाइप की हो सकती है, टेम्परेचर नेवर बी लेस देन 4 डिग्री सेल्सियस की, टेम्परेचर कभी भी 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं होगा। तो ये कैसी हो सकती है मोनोमिक्टिक, या तो ये वार्म टाइप की होगी या तो ये कोल्ड टाइप की होगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें वार्म मोनोमिक्टिक की, तो यहाँ पे समर्स के अंदर यहाँ पे अलग अलग रीजन्स बने हुए हैं, ऑटम के अंदर यहाँ पे मिक्सिंग चली, फिर विंटर्स आई, फिर स्प्रिंग आई, तो ये जो है मिक्सिंग यहाँ पे चलती रहेगी और यहाँ पे वन ओवर टन ऑफ वाटर चलता है, जिसकी वजह से या तो ये कोल्ड होंगी या तो ये वार्म होंगी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की लेक्स आती हैं डायमिक्टिक लेक्स। डायमिक्टिक लेक्स जिसके अंदर दो सर्कुलेशन साइकिल चलती हैं दो डिफरेंट सीजन्स के अंदर, ठीक है, जो अलग अलग सीजन होंगे, एक ऑटम के अंदर और एक स्प्रिंग के अंदर, एक स्प्रिंग के अंदर एंड एक ऑटम के अंदर। तो यहाँ पे समर्स के अंदर हुई, फिर यहाँ पे सर्कुलेशन चली, फिर ये इनवर्स स्ट्रेटिफिकेशन हो गया विंटर्स के अंदर, यानी कि जो ऊपर का टेम्परेचर था वो नीचे का हो गया, नीचे वाला ऊपर का हो गया है। इसके बाद स्प्रिंग के अंदर फिर से यहाँ पे क्या हुई, सर्कुलेशन हुई है। तो यहाँ पे दो सर्कुलेशन चलती है, दो सर्कुलेशन साइकिल चलती है दो डिफरेंट सीजन्स के अंदर, एक ऑटम के अंदर एंड एक स्प्रिंग के अंदर। तो ये होती है डायमिक्टिक लेक्स। नेक्स्ट आती है पॉलीमिक्टिक लेक्स। पॉलीमिक्टिक लेक के अंदर क्या होगा, यहाँ पे कंटिन्यूअस वाटर सर्कुलेशन चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअस हर सीजन के अंदर वाटर सर्कुलेशन चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे फ्रीक्वेंट वाटर सर्कुलेशन चलते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक यहाँ पे आती है ओलिगोमिक्टिक लेक्स। ओलिगोमिक्टिक लेक्स जो होती हैं लेक्स हैविंग वेरी स्लो सर्कुलेशन, जिनके अंदर बिल्कुल स्लो सर्कुलेशन होता है एज टेम्परेचर इज मोर और लेस कॉन्स्टेंट, एंड इसकी वजह से टेम्परेचर जो है यहाँ पे मोर और लेस सभी सीजन्स के अंदर कैसा होता है, कॉन्स्टेंट ही रहता है। मीरोमिक्टिक के अंदर क्या होता है, द लेक्स हैव नो सर्कुलेशन, यहाँ पे स्लो सर्कुलेशन था, यहाँ पे नो सर्कुलेशन है, तो यहाँ पे नो सर्कुलेशन होता है ड्यू टू केमिकल डिफरेंसेस इन द डिफरेंट लेयर, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट लेयर्स के अंदर यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग केमिकल डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई सर्कुलेशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई सर्कुलेशन नहीं होगा, ओलिगोमिक्टिक के अंदर स्लो सर्कुलेशन होगा। तो ये डिफरेंट टाइप की यहाँ पे लेक्स की हमने बात कर ली है ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इकोलॉजी ऑफ लेक्स। लेक्स की इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इस इकोलॉजी के अकॉर्डिंग लेक्स को 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। लिटोरल जोन, ठीक है, इतना हो गया लिटोरल जोन, फिर आता है लिमिटिक जोन, एंड नेक्स्ट यहाँ पे आता है प्रोफंडल या फिर एफोटिक जोन, जहाँ पे जो सनलाइट है वो बिल्कुल कम आती है या फिर आती ही नहीं है। एंड इसके अगर हम बात करें इसके सरफेस के बॉटम के नीचे ही होता है बेंथिक जोन। तो ये 3 लिटोरल, लिमिनेटिक एंड प्रोफंडल जोन, ये 3 टाइप के जोन्स आते हैं। अब लेक्स की अगर हम बात करें, लेक्स भी 2 टाइप की होती हैं, जैसे हमने भी बात की थी टेम्परेट लेक होती हैं एंड इसके अलावा ट्रॉपिकल लेक्स होती हैं, ठीक है, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल लेक्स होती है। तो टेम्परेट लेक्स क्या शो कर रही है यहाँ पे, ये जो है टेम्परेचर जोन्स यहाँ पे शो करती है, ठीक है, टेम्परेट लेक्स के अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, एपिलिमियम, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिमियम, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इन इकोलॉजी ऑफ लेक्स की, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 जोन्स हैं, लिटोरल, लिमनेटिक और प्रोफंडल जोन। लिटोरल जोन क्या होगा, इसके अंदर प्रोड्यूसर्स आर फ्लोटिंग ग्रीन प्लांट्स होंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे, मेनली एल्गी एंड रूटेड बेंथिक प्लांट्स होंगे, रूटेड हाइड्रोफाइट्स यहाँ पे होते हैं ये वाले। एंड इसके अलावा इसके अंदर टाइफा, स्कार्पस, सेगिटारिया, इलियोचेरिस हो गया, निम्फिया, नेल्यूम्बो, रुपिया, सिरेटोफिलम, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया, कारा, स्नेल्स, डैमसल फ्लाइज, नीम्स, रोटिफर्स, फ्लैट वर्म्स, हाइड्रा, क्रेफिसेस, एनिलीड्स, काइरोमीड लार्वे हो गए, क्लैम्स हो गए, अडल्ट एंड लार्वे ऑफ द वेरियस स्पीसीज ऑफ बीटल्स, एम्फीबियंस लाइक फोक, टर्टल्स एंड वाटर स्नेक्स। तो ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे स्पीसीज पाई जाती है इन जोन्स के अंदर, लिटोरल जोन के अंदर।
इसके बाद नेक्स्ट जोन आता है लिम्नेटिक जोन। यहाँ पे हमने बात की थी दो टाइप की लेक्स के बारे में, कि ट्रॉपिकल लेक होते हैं एंड टेम्परेट लेक होती है। तो ट्रॉपिकल लेक्स के अंदर कोई थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होती, तो न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन जो है वो ऐसे एक्सचेंज हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थर्मली स्ट्रेटिफाइड टेम्परेट लेक्स की, टेम्परेट लेक्स के अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है, जो कि उनका एक करेक्टरिस्टिक फीचर होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे एपिलिम्नियम, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियम तीन जोन बन जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एपिलिम्नियम यानी लिम्नेटिक जोन। एपिलिम्नियम जो है लिम्नेटिक जोन के अंदर आता है, एंड थर्मोक्लाइन एंड हाइपोक्लाइन प्रोफंडल जोन के अंदर आएंगे। तो लिम्नेटिक जोन के अंदर क्या होगा, द प्रोड्यूसर्स आर मेनली फाइटोप्लैंक्टन एल्गी। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे मेनली फाइटोप्लैंक्टन एल्गी यहाँ पे होते हैं। कंज्यूमर्स ऑफ दिस जोन आर मेनली जूप्लैंक्टन्स, कॉपीपोड्स एंड क्लैडोसीरेंस हो गई, साइक्लोप्स, डाइफेनोसोमा बुसिमिना, नेक्टोन्स यानी कि स्विमिंग एनिमल्स, ये सब लिम्नेटिक जोन के अंदर यहाँ पे कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। एंड थर्ड वन इज द प्रोफंडल जोन। प्रोफंडल जोन के अंदर थर्मोक्लाइन एंड हाइपोक्लाइन ये रीजन आते हैं। जब इसकी थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होती है तब की हम बात करें, अदरवाइज हम सिंपली बोल सकते हैं कि एक प्रोफंडल जोन है। तो प्रोफंडल जोन के अंदर लोएस्ट जोन होता है लेक के अंदर, इन विच नो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट। इस जोन के अंदर कोई लाइट की पेनिट्रेशन नहीं होती है, तो जो भी यहाँ पे ऑक्सीजन होगी या फिर जो भी यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे उनकी ऐसे सप्लाई चलती रहती है, वर्टिकल एक्सचेंज चलता रहता है। तो प्रोफंडल जोन के अंदर नो पेनिट्रेशन ऑफ लाइट होता है, सो प्रोड्यूसर्स आर वेरी रेयर इन दिस जोन, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को सनलाइट की जरूरत होगी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स क्या होंगे, बहुत कम होंगे। द कंज्यूमर्स जो होंगे वो ब्लड वर्म्स होंगे, कार्नोमीट लार्वा होंगे एंड फिशेस होंगे। तो ये अलग अलग टाइप के जोन्स के अंदर अलग अलग टाइप की स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, अलग अलग टाइप के प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स पाए जाते हैं। तो ये इकोलॉजी ऑफ जो है इकोलॉजी ऑफ लेक्स के अकॉर्डिंग लिटोरल, लिम्नेटिक एंड प्रोफंडल जोन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक। अभी हमने बात किया था थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टेम्परेट लेक्स। टेम्परेट लेक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से एपिलिम्नियम, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियम ये तीन रीजन यहाँ पे फॉर्म होंगे। अभी हमने डिस्कस किया था एपिलिम्नियम, देखो ये कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं अलग अलग रीजन। एपिलिम्नियम जो है ये लिम्नेटिक जोन के अंदर आएगा, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोक्लाइन प्रोफंडल जोन के अंदर आएंगे या फिर एफोटिक जोन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक्स। ठीक है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर क्या होगा, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन टेम्परेट लेक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, तो टेम्परेट लेक्स थर्मली स्ट्रेटिफाइड होंगी, जिसकी वजह से एपिलिम्नियम, थर्मोक्लाइन एंड हाइपोलिम्नियम ये रीजन बनेंगे। तो ये जो एपिलिम्नियम है, एपी मीन्स ऊपर, ठीक है, एपी मीन्स ऊपर है एंड हाइपो मीन्स नीचे। तो एपिलिम्नियम ऊपर वाला रीजन क्या होगा, वार्मर होगा देन द हाइपोलिम्नियम। ऊपर वाले में सनलाइट भी आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ज्यादा वार्मर होगा इस हाइपोलिम्नियम से। द थर्मोक्लाइन शो रैपिड फॉल इन टेम्परेचर एज डेप्थ इंक्रीजेज। जैसे जैसे थर्मोक्लाइन के अंदर नीचे की तरफ डेप्थ इंक्रीज होती है, वैसे वैसे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, रैपिड फॉल होता है, नीचे गिरता जाता है। थर्मोक्लाइन जो है ये बीच में लेयर है बिटवीन एपिलिम्नियम एंड हाइपोलिम्नियम के बीच में, ठीक है, एपिलिम्नियम एंड हाइपोलिम्नियम के बीच में ये लेयर है। तो ये एक तरह से इफेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करती है बिटवीन द वर्टिकल एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन। ये जो वर्टिकल एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का फ्रॉम एपिलिम्नियम टू हाइपोलिम्नियम एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हाइपोलिम्नियम टू एपिलिम्नियम, तो इनके बीच में ये क्या करती है, एक इफेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करती है। अब बैरियर आ गया है जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हुआ है। एक्सचेंज ना होने की वजह से, क्योंकि हाइपोलिम्नियम के अंदर तो सनलाइट आ ही नहीं रही है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम बात करें जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत कम पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है, लिमिट हो गई है। ठीक है, तो एक तरह से थर्मोक्लाइन जो है वो क्या कर रही है, थर्मोक्लाइन लेयर एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी ऑफ शैलो और डीप वाटर। जो हाइपोलिम्नियम के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है उसके लिए थर्मोक्लाइन एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह एक्ट करती है। सो द नॉलेज ऑफ थर्मोक्लाइन इज वेरी यूजफुल इन एंगलिंग एंड स्पोर्ट फिशिंग। जो स्पोर्ट फिशिंग करते हैं उसके लिए क्या होता है कि थर्मोक्लाइन की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे यहाँ पे फिशेज यहाँ पे मिल सकती है।
तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें कि मेन लेक्स क्या है इंडिया की, मेन लेक्स के अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे है ग्रेट मानसरोवर लेक, फ्रेश वाटर लेक्स, ठीक है, फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर है ग्रेट मानसरोवर लेक, भीमताल लेक, नैनी लेक, याराकुट लेक, ऊटी लेक, भोपाल लेक, बकीरा लेक, रामगढ़ लेक ऑफ गोरखपुर। तो ये मेन फ्रेश वाटर लेक्स हैं इंडिया की। एंड ब्रैकिश वाटर लेक्स कौन सी होंगी, जैसे कि चिल्का लेक या फिर पुलिकैट लेक, ये क्या होंगी, यहाँ पे ब्रैकिश वाटर की लेक्स होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन है जैसे कि ट्रॉपिकल लेक्स आर मोर प्रोडक्टिव देन टेम्परेट लेक्स, कि ये जो ट्रॉपिकल लेक्स हैं ये ज्यादा प्रोडक्टिव होती है टेम्परेट लेक्स के। अब हमने बात की थी जो टेम्परेट लेक्स हैं इनके अंदर थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है, थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन पाई जाती है। आप थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से यहाँ पे क्या है, जो बीच वाला रीजन है जिसको हमने बोला थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन बैरियर की तरह एक्ट करेगा जिसकी वजह से वहाँ पे प्रोडक्टिविटी है वो घट जाती है। तो ट्रॉपिकल रीजन जो ट्रॉपिकल लेक्स हैं वो मोर प्रोडक्टिव होती हैं क्योंकि डू नॉट डिस्प्ले थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन, उनके अंदर कोई थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, कंटिन्यूस मिक्सिंग चलती रहती है ऊपर से नीचे तक, यहाँ पे क्या है कंटिन्यूस मिक्सिंग चलती रहती है सरफेस एंड डीप वाटर के बीच में, एंड यहाँ पे थर्मोक्लाइन नहीं होता है। एंड इसी रीजन की वजह से ट्रॉपिकल लेक्स जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव होती है देन द टेम्परेट लेक्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोना ऑफ लेक्स, कि इन लेक्स के अंदर कौन कौन सी अलग अलग टाइप के फोना यानी कि फिश स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है, फिर हम बोल सकते हैं एनिमल्स यहाँ पे पाई जाते हैं, एनिमल स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती है। तो इसके अंदर फिशेज जैसे कि चना स्ट्रेटस, चना पंक्टेटस, एनाबस टेस्टुडाइंस हो गया, क्लैरिस बेट्राकस, वेलेगो अट्टू, ओस्टियोब्रामा बेलेंगेरी, पंटियस सराना, पंटियस सोफेरी एंड सिप्रिनस कार्पियो, ये अलग टाइप की फिश पाई जाती हैं। इसके अलावा कार्प जैसे कि कटला कटला, लेबियो रोहिता, सिरिनस मिरिकाला, लेबियो कालाबासु, ये अलग अलग टाइप की यहाँ पे कार्प पाई जाती हैं लेक्स के अंदर। कोल्ड वाटर लेक्स जो है नदन इंडिया की, उनके अंदर ट्राउट्स जैसे कि साल्मो ट्रोटा, साल्मो फूरिया, साल्मो गायरेंडेरी, मैसीज जैसे कि टोर 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 पुटी टोरा, टोर खुदीरी, ये प्रेजेंट होते हैं। एंड मेन फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ये होते हैं डायनोब्रायन, इसके अलावा ठीक है इन लेक्स के अंदर मेन फाइटोप्लैंक्टन्स के अंदर डायनोब्रायन हो गया, इसके अलावा ट्रेचिलोमोनास, यूग्लिना, सिरेटियम एंड साइक्लोटेला। एंड इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जो प्लैंकटोन्स होते हैं जैसे कि डायप्टोमस हो गया, डिफ्यूजिया हो गया, कैरेटीला हो गया, ब्रेंक्योनस, नेप्यूलस लार्वा, एंड कुछ पॉइजनस फीसिस पाई जाती है जैसे कि टेट्राडोन क्यूटिकुला, ये फ्रेश वाटर लेक्स के अंदर पाई जाती है। तो ये अलग अलग फोना हो गई यहाँ पे लेक्स की। तो यहाँ तक हमने इन लेक के बारे में, लेक फिशरीज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अपकमिंग वीडियोस में हम रिजर्वोयर फिशरीज, पॉन्ड फिशरीज एंड कोल्ड वाटर फिशरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।